स्वागत है दोस्तों बर्ड खजाना के इस नए एपिसोड में। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग सेटअप डाल रहे हो तो उसमें कौन से बर्ड्स से आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, कौन से बर्ड्स पालना आसान रहेगा और आपको अर्निंग भी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी, जिसमें आप बर्ड्स का भी खर्चा निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत आपका खर्चा भी निकाल सकते हो। जिसके अंदर सबसे पहले ओबीएस्ट स्टार्टिंग करते हैं तो बजिस से स्टार्टिंग करते हैं। हर कोई पहले जो बजिस की दो तीन पेयर बजिस लाते हैं, फिर उसको दो तीन महीने रखते हैं, फिर उसको एक शौक लगता है कि इससे क्यों ना थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर ली जाए, जिसके अंदर बर्ड्स का खर्चा भी निकल सके और अपना खर्चा भी कुछ निकल सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन सा बर्ड्स रखना आसान रहेगा आपके लिए, कौन से बर्ड्स में आपको ज़्यादा अर्निंग भी मिलेगी, कौन से बर्ड्स का रेट जो है वो एक जगह पर टिक के रहेगा, वरना बहुत सारे बर्ड्स जो अभी रेट गिर रहा है सारे बर्ड्स का, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम आज 5000 की पेयर अगर लाया है तो 6-7 महीने के बाद अगर आप उसके बच्चे भी आप सेल करोगे तो उसके बच्चे की प्राइस की पेयर मिनिमम 2500 से 3000 रुपये में वो पेयर सेल होगी, इतना रेट गिर रहा है। लेकिन सारे बर्ड्स में रेट नहीं गिरता है, कुछ ऐसे भी बर्ड्स होते हैं जिसका प्राइस सिर्फ बढ़ता रहता है, कभी भी आगे भी कम नहीं होगा और अभी भी कम नहीं हो रहा है, ऐसे भी कुछ बर्ड्स है दोस्तों। तो इस सारे टॉपिक पे हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली दोस्तों आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम बजिस की। तो बजिस की अगर आप पाँच से छः पेयर लाते हो तो उससे ज़्यादा कुछ अर्निंग आपकी होगी नहीं, प्लस उसका जो खर्चा रहेगा वो सिर्फ आप बर्ड्स का खर्चा निकालने में भी थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी, उतना बेनिफिट आपको बजिस में होगा नहीं। अगर आपके पास 40-50 पेयर है बजिस की तो उसमें बर्ड्स का आसानी से खर्चा तो निकल जाता है, लेकिन उसके पट्टे जो निकलेंगे वो अगर आप सेल करने जाओगे दोस्तों तो उसकी प्राइस बहुत ही गिर जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपने बर्ड्स लाए हैं 400 से 500 रुपए की पेयर लाके आपने ब्रीडिंग सेटअप पे डाला है, तो अगर जब भी आप सेल करने जाओगे आपके बर्ड्स तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 से 300 रुपये के पेयर के हिसाब से सामने वाला मांगेगा दोस्तों। तो उसमें बजिस में पालना तो बहुत आसान है बजिस को, लेकिन इतना बेनिफिट आपको होगा नहीं बजिस के अंदर। फिर हम बात करेंगे दोस्तों लव बर्ड में। तो लव बर्ड में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है दोस्तों। लव बर्ड्स की पेयर जब आप अगर महंगी म्यूटेशन में अगर लाओगे बजिस लव बर्ड की पैर दोस्तों, मैं मान के चलो कि आप 20 से 25 हज़ार की एक पैर लाए हैं, ठीक है, फिर उसको एक साल तो उसको सेट होने में लगेंगे। अगर आप एक पैर 20 से 25 हज़ार की लव बर्ड की पैर अगर लाते हो तो एक साल वो सेट करने में लगा देगा, फिर उस सेट होने के बाद पहले जब ब्रीड करेगा दोस्तों तो उसमें ब्रीड में 2 से 3 बच्चे निकालेगा, 2 से 3 बच्चे निकलेगा तो सिर्फ इतने में तो एक साल का जो है वो खाना उसने खाया है सीड मिक्स और सॉफ्ट फूड, वो उसका खर्चा तो 3 बच्चों में सिर्फ उसी का सीड एक साल का खर्चा निकलेगा 3 बच्चों में। फिर जब ये दूसरा से तीसरा क्लच करेगा लव बर्ड दोस्तों, जब आप 20 से 25 हज़ार की जब पैर लेके आया हो उसका टाइम हो जाता है 3 साल के बाद, अगर उसके अच्छे क्लच निकलने स्टार्ट हो गए हैं, 3 से 4 बच्चे हर
साल में 3 बार ब्रीड, अच्छी कोई ब्रीड लेना चाहता है लोबर्ड की, तो साल में अगर 3 बार ब्रीड कराओगे तो ज़्यादा आपको बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और अच्छे बच्चे भी निकलेंगे। तो साल में तीन बार ब्रीड करेगी दोस्तों पैर, 3 से 4 बच्चे निकलेंगे हर क्लच में। फिर बात आते हैं प्राइस की दोस्तों, जो आप पैर 3 साल पहले 20 से 25 हज़ार की पैर आप लेके आए हो, जो 3 साल के बाद लोबर्ड की पैर की प्राइस दोस्तों हो जाएगी 8 से 10 हज़ार रुपये, इतनी प्राइस गिर जाएगी। 8 से 10 हज़ार रुपये पैर की प्राइस हो जाएगी जब 3 साल बाद आप उसके बच्चों को सेल करने जाओगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, उसमें भी अगर थोड़ा बहुत खर्चा आपका निकल देगा लोबर्ड, लेकिन उतना प्राइस लोबर्ड में कुछ फिक्स नहीं रहती है, बहुत आगे पीछे प्राइस रहती है लोबर्ड की प्राइस, दिन ब दिन अभी भी गिर रही है लोबर्ड की प्राइस दोस्तों। हर ब्रीडर की यही कंप्लेंट रहती है कि लोबर्ड की प्राइस दिन ब दिन प्राइस गिरती ही रहती है। तो बात करेंगे दोस्तों कोकाटेल के ऊपर, तो कोकाटेल में क्या है कि उसकी ब्रीड करवाना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, उसको एक अच्छा सा आपको केज देना होगा, अच्छा एक एनवायरनमेंट देना होगा लोबर्ड कोकाटेल को, और ज़्यादा कुछ कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसा एक सेपरेट ब्रीडिंग सेटअप देना होगा, जहाँ पे इंसानों की आने जाने का बहुत कम रहता हो, उस ऐसी जगह पे आपको कोकाटेल का सेटअप बनाना होगा दोस्तों। क्योंकि कोकाटेल जो है वो अगर आप नॉर्मल म्यूटेशन में काम करोगे दोस्तों, जैसे कि ग्रे हो गया, ल्यूटिनो हो गया, फिर पाइड हो गया, पर्ल हो गया, वो तो ब्रीड कर लेगा दोस्तों, लेकिन अगर हेवी म्यूटेशन में आप ब्रीड करवाना चाहते हो तो उसको थोड़ा बहुत तो प्राइवेसी आपको देना होगा, क्योंकि म्यूटेशन जैसे ही आगे जाती रहती है तो वो थोड़ा बहुत उसकी ब्लड लाइन भी कमज़ोर हो जाती है, फिर वो डरने लगते हैं। तो अगर उसको एक अच्छा सा ब्रीडिंग सेटअप आप दोगे दोस्तों, तो ब्रीड वो आसानी से हैवी म्यूटेशन भी कर लेगी। प्लस कोकाटेल में ये बेनिफिट रहता है दोस्तों कि उसका प्राइस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है, कभी भी उसका प्राइस कम नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, और आगे पिछले टाइम में कम हुआ भी नहीं है दोस्तों। आप जब से स्टार्टिंग किया है एंड तक आप देखिएगा दोस्तों, जब से आप बर्ड लाए हो, कभी भी कोकाटेल का प्राइस जो है वो कभी भी नहीं गिरा है, प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहता है कोकाटेल का, और कोकाटेल को पालना भी बहुत आसान है दोस्तों। थोड़ी बहुत लोबर्ड बजिश से ज़्यादा उसकी केयर करनी रहेगी आपको, जैसे कि टाइम टू टाइम सॉफ्ट फूड देना होगा उसको, रोजाना सुबह एक बार उसको सॉफ्ट फूड देना सही रहेगा दोस्तों। और अभी सर्दियाँ चल रही है, ठंडी का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो अभी कुछ इसको सीड मिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा, सनफ्लावर सीड्स की क्वांटिटी ज़्यादा आपको देनी होगी। फिर उसके बच्चे जब निकलेंगे दोस्तों, तो बच्चों के लिए सॉफ्ट फूड ज़्यादातर कोकाटेल जो है वो बच्चों को सॉफ्ट फूड खिलाना ज़्यादा पसंद करता है दोस्तों। तो कोकाटेल के जब बच्चे निकले, इस बात का ख्याल रखना है, तो कोकाटेल के जब बच्चे निकले दोस्तों, तो क्वांटिटी थोड़ी सी आपको सॉफ्ट फूड की बढ़ा देनी है, ताकि वो अच्छे से अपने बर्ड्स को, अपने बच्चों को फीड करवा सके। प्लस एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, कोकाटेल जो है वो सेंसिटिव बर्ड्स है दोस्तों, जो टाइमिंग का बहुत ध्यान रखता है। जब उसके बच्चे निकले होंगे तो अगर आप सुबह उसको 8 बजे आप डेली उसको सॉफ्ट फूड देते हो, तो जब तक उसके बच्चे हैं तब तक दोस्तों सॉफ्ट फूड उसको डेली 8 बजे के टाइम में आपको दे देना है, वरना आप थोड़ा बहुत लेट कर दोगे दोस्तों, तो वो अच्छी तरह से बच्चों को फीड नहीं कराएगा, वो स्ट्रेस में चला जाता है दोस्तों उसको टाइम पे फूड ना मिलने की वजह से। तो जब भी उसके बच्चे निकले हो, तब उसको
टाइम टू टाइम फूड आपको सॉफ्ट फूड दे देना है दोस्तों। अगर सुबह के 8 बजे का आपने फिक्स टाइम किया है, डेली सुबह 8 बजे देते हो, तो उसको डेली 8 बजे दे देना है। फिर उसको 2 घंटे भी लेट नहीं करना है, वरना वो अपना बच्चों को भी फीड करवाना छोड़ सकता है दोस्तों। ये सब हेवी म्यूटेशन में देखा गया है दोस्तों। तो कॉकटेल पालना भी इतना कठिन नहीं है दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने खुद ने बजिस भी पाला है, लोबर्ड मैंने आज तक पाला तो नहीं है, लेकिन देखा है मैंने सारे ब्रीडर, जो कि मैं हर एक ब्रीडर के पास जाता रहता हूँ सेटअप विजिट करने के लिए, तो बातचीत हुई है हमारे बीच, इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप कॉकटेल को पालोगे दोस्तों तो उसमें आपको बेनिफिट भी होगा, प्लस आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी उसमें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पे कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली दोस्तों आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।